मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस सप्ताह आप ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम कर सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है। कोई बड़ी रिस्क भी ना लें। जोखिम उठाने से बचेंगे तो ये 7 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय ठीक रहेगा। इस समय दौड़ भाग हो सकती है। सरकारी नौकरी वालों के लिए इस सप्ताह सामान्य रहेगा। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं, थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। इन दिनों में आप किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। सेहत के हिसाब से इस सप्ताह इतना अच्छा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इन दिनों में कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। बदन दर्द और सिर दर्द बना रहेगा। लव लाइफ में कुछ नए फैसले ले सकते हैं। लव पार्टनर से संबंध सुधरेंगे। लव लाइफ इस सप्ताह प्रेम संबंधों को नई दिशा मिलेगी। नए रिश्तों की शुरुआत भी इस समय हो सकती है। लव लाइफ के लिए समय सामान्य है। करियर व्यापारियों के लिए भी समय ठीक है। निवेश सोच समझ कर करें। रिस्क ना ले। बिजनेस में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। करियर के लिए भी यह सप्ताह सामान्य रहेगा। किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू या परीक्षा दे सकते हैं। हेल्थ सप्ताह के आखिरी दिनों में एसिडिटी हो सकती है। ज्यादा मसालेदार खाने से बचें। पेट के रोग होने की पूरी संभावना है। सावधान रहे। वृष राशि वालों के लिए 7 दिन अच्छे रहेंगे। इस सप्ताह आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। इतने समय से जो काम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इस समय में हो जाएगी। सरकारी या प्राइवेट जॉब वालों को तरक्की के मौके मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय एक नई दिशा प्रदान करेगा। इन 7 दिनों में आपके सामने आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर आ सकते हैं। इस सप्ताह में आपकी इनकम भी बढ़ेगी। सेहत भी इन दिनों में अच्छी रहेगी। वृष राशि के बेरोजगार लोगों को नौकरी या कोई रोजगार मिल सकता है। सफलता भी मिलेगी। इस राशि के बिजनेस करने वाले लोगों को व्यवसाय में वृद्धि होगी। आप लेन देन में सावधानी रखें तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। लव लाइफ जीवन साथी से सहयोग कम ही मिलेगा। लव लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव जरूर आ सकते हैं। करियर शेयर खरीदने बेचने के लिए समय अच्छा है। यह निवेश आपके लिए लाभ का सौदा साबित होगा। ऑफिस में किसी से विवाद हो सकता है। जॉब के लिए नए ऑफर मिल सकते हैं। निर्णय सोच समझ कर ले। आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। करियर के क्षेत्र में आप काफी मेहनत करेंगे, आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। हेल्थ हाई ब्लड प्रेशर है तो राहत मिल सकती है। किसी भी तरह का तनाव लेने से बचे। लंबे समय से चली आ रही बीमारी में आराम मिल सकता है। दांत और मुख के रोगों की जांच करवा ले। सुबह शाम घूमने जाए। मिथुन इस सप्ताह में आप थोड़े चिड़चिड़े जरूर रहेंगे। जरूरी कामों में भी रुकावट हो सकती है। इन दिनों में पुराने दोस्तों के साथ भी समय बीतेगा। आपके कुछ काम दोस्तों और भाइयों की मदद से भी पूरे हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नई तरह से कोशिश करनी पड़ सकती है। उसमें आपको फायदा भी होगा। पेट की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। खान पान में सावधानी रखें। नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। व्यवसाय से धीरे धीरे फायदा मिलेगा। वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आएंगे। पार्टनर से संबंध मधुर रहेंगे। सुख मिलेगा। इस सप्ताह में किसी को शादी या प्रेम का प्रपोजल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लव लाइफ इस सप्ताह आपको जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुख पूर्वक बीतेगा। करियर इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। व्यापार में मामूली नुकसान हो सकता है। निवेश करते समय पूरी तरह सावधान रहें और किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही कोई काम करें। इस सप्ताह आपको करियर संबंधी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मेहनत का लाभ इस सप्ताह मिल सकता है, लेकिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। हेल्थ परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी। कोई पुराना रोग उभर कर सामने आ सकता है। मौसमी बीमारियों से भी सावधान रहे तो अच्छा रहेगा।
संपर्क कर्क राशि वालों के लिए 2-8 अक्टूबर का समय थोड़ी उथल पुथल और दौड़ भाग वाला हो सकता है। इनकम के हिसाब से ये सप्ताह आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। पुराने कर्ज चुकाने पड़ेंगे। इस सप्ताह आपके कुछ फालतू खर्च बढ़ सकते हैं। दिमाग में वैचारिक उथल पुथल होने से कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। जमीन की खरीदारी इस समय बिल्कुल ना करें। इन दिनों में ऐसे प्रस्ताव आपको जरूर मिल सकते हैं। फालतू यात्रा के योग भी इन दिनों में बन सकते हैं। अच्छे समय का इंतजार करना होगा। कोई बीमारी परेशान कर रही है तो सावधानी से उसका इलाज करवा लें। लापरवाही से आने वाले दिनों में परेशान हो सकते हैं। व्यापार में भी अनिश्चितता का माहौल बन सकता है। कुछ बातें आपके दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति पैदा कर सकती है। लव लाइफ, अविवाहित लोगों की लव लाइफ के लिए समय ठीक है। प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी। सप्ताह के बीच में शादीशुदा लोगों की जीवन साथी के साथ कुछ अनबन हो सकती है। वाणी पर काबू रखें। करियर, इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। खर्च अधिक होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय कुछ ठीक नहीं है। करियर को लेकर सावधान रहें। किसी अनजान व्यक्ति की बातों में न आए। बेकार की उलझन हो सकती है। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का ऑफर मिल सकता है। हेल्थ स्वास्थ्य का ध्यान रखने की विशेष जरूरत है। बदहजमी या गैस संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। परिवार के बुजुर्गों व बच्चों का स्वास्थ्य इस समय ठीक रहेगा। सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक नहीं कहा जा सकता है। इनकम के साथ खर्च भी बढ़ा हुआ रहेगा। इस सप्ताह में आप पारिवारिक संबंधों में उलझ सकते हैं। तनाव हो सकता है। भाइयों से असहयोग हो सकता है। साथ काम करने वाले विपरीत लिंग के लोगों से सावधान रहे। इन दिनों में पैसा उधार देने से बचे। बिजनेस करने वाले लोग उधार ना करें। कुछ बातों से जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति भी बन सकती है। अविवाहित लोगों के लव अफेयर के लिए 7 दिन बहुत अच्छे हो सकते हैं। सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा ले सकते हैं। साझेदारी के कामों में छोटा मोटा फायदा मिल सकता है। किसी खास इंसान की वजह से परेशानियां और तनाव हो सकता है। रोजमर्रा के कामों को लेकर इन दिनों में आप सावधान रहे। कुछ नया करने से पहले किसी अनुभवी इंसान से सलाह जरूर करें। इस सप्ताह आप पेट संबंधी रोग और बदन दर्द से परेशान हो सकते हैं। लव लाइफ, लंबे समय से चले आ रहा प्रेम संबंध को लेकर इस सप्ताह कोई फैसला ले सकते हैं। इन 7 दिनों में जीवन साथी से किसी बात पर अनबन भी हो सकती है। करियर कार्य क्षेत्र में छोटे फायदे से ही मन खुश हो जाएगा। निवेश कर सकते हैं। छोटे छोटे निवेश बड़ा फायदा दे सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक ठीक रहेगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय ठीक रहेगा। इस समय मन में कई उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, लेकिन परेशान ना हो। हेल्थ, सप्ताह के आखिरी दिनों में थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानी हो सकती है। घुटनों और जोड़ों के दर्द में राहत मिल सकती है। बदलते मौसम के कारण बच्चों को सामान्य बीमारी हो सकती है। ध्यान रखें। कन्या राशि वालों के लिए 7 दिन ठीक ठीक रहेंगे। शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। इन दिनों में आपको पैतृक संपत्ति से फायदा मिलने की संभावना है। अपने काम के लिए आपको काफी दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह बनाई योजनाओं के प्रति सकारात्मक रहेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको सफलता मिल सकती है। काम धंधे में रुकावटें पैदा हो सकती है। आमदनी के लिए की गई कोशिशों में भी आप सफल रहेंगे। इस सप्ताह भोजन के प्रति रुचि कुछ कम ही रहेगी। नौकरी पेशा लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसका फायदा भी मिलेगा। व्यापार में जैसे तैसे काम चलेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी सहयोग से मधुरता आएगी। झूठ बोलने से बचें। झूठ पकड़ा जाने से रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है। लव लाइफ, इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में मधुरता रहेगी। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेगा। प्रेमियों के लिए यह समय उतार चढ़ाव वाला रहेगा। लव लाइफ के लिए यह समय अनुकूल है।
करियर व्यापारियों के लिए यह समय ठीक रहेगा। पैसों के लेन देन में सावधान रहे, किसी को धन उधार ना दे। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है, खर्च अधिक हो सकता है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सावधानी रखें, कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा। विद्यार्थी पूरा मन लगाकर पढ़ाई करें, सफलता जरूर मिलेगी। हेल्थ मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। परिवार का कोई बड़ा सदस्य बीमार हो सकता है। तुला, इस सप्ताह कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपकी दोस्ती बुद्धिमान लोगों से हो सकती है। आपको कुछ लोगों से पैसों से जुड़ी सलाह मिल सकती है। ध्यान रखें कि मंगलवार को कर्जा या पैसा उधार ना दे और ना ही ले। राजनीतिक लोगों के साथ उठने बैठने का अवसर आपको मिल सकता है। पारिवारिक परेशानियां चल सकती है। इन दिनों में आपकी इनकम और बढ़ सकती है, एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। इन दिनों में आपको अचानक होने वाली यात्राओं से बचना चाहिए। कुछ शारीरिक परेशानियां भी बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोग इस सप्ताह किसी अच्छी खबर के मिलने से खुश हो सकते हैं। रोजगार में वृद्धि हो सकती है, आपके शौक पूरे हो सकते हैं। अचानक धन लाभ होने के योग है, नए कपड़ों की खरीदारी हो सकती है। व्यापार के लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस राशि के अविवाहित लोग अपने प्रेमी पर खर्चा कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए अच्छा समय है। किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो इस समय सितारे आपका साथ देंगे। पति पत्नी में रिश्ते घड़े होंगे। करियर नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह विशेष उपलब्धि मिल सकती है। व्यापारियों के लिए निवेश के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। पिछले निवेश से भी धन लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सामान्य फल देने वाला रहेगा, लेकिन निराश ना हो और मेहनत करें। अभी की गई मेहनत का फल आने वाले समय में सफलता के रूप में मिल सकता है। हेल्थ यह सप्ताह आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। धन के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। वृश्चिक सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। इन दिनों में आपकी योजनाएं पूरी हो सकती है। सावधान रहे, गुप्त प्लानिंग भी सबके सामने भी आ सकती है। बिजनेस और नौकरी पेशा में कुछ रुकावटें आने के भी योग हैं। इस सप्ताह में कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश ना करें। कुछ मामलों में फालतू खर्चा भी होने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में आपको किसी पार्टी या छोटे मोटे आयोजन के लिए भी पैसा देना पड़ सकता है। कोई अचानक यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं। आपके खास संबंधों में कुछ तनाव या परेशानियां भी हो सकती है। सेहत को लेकर इन दिनों में आप सावधान रहे। सप्ताह के कुछ दिन आपको थकावट भी महसूस होगी। मानसिक तनाव और सेहत संबंधी परेशानियां भी इन दिनों में रहेगी। व्यापार में अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा। बेरोजगारों को दौड़ भाग बहुत करनी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव भी रह सकता है। अविवाहित लोग किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो ना करें, सही समय का इंतजार करें। लव लाइफ, इस सप्ताह जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। प्रेमियों के लिए समय ठीक नहीं है। दिल की बात बताने के लिए समय अच्छा नहीं है, अच्छे समय का इंतजार करें। करियर नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है, फायदा का समय रहेगा। व्यापार के लिए यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। यह सप्ताह स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। करियर को लेकर चिंता रहेगी। सप्ताह के अंत तक कोई बड़ी सफलता भी मिल सकती है। हेल्थ, सप्ताह के आखिरी दिनों में सेहत संबंधी परेशानी रहेगी। ठंडी चीज खाने से परेशान हो सकते हैं, खुद पर कंट्रोल करें। पिता की सेहत को लेकर भी सावधान रहे, चिंता बनी रहेगी। मानसिक तनाव रहेगा। धनु, इस सप्ताह आपके साथ अजीब स्थिति बन सकती है। आपका दिल और दिमाग अलग अलग दिशा में चलेगा। कोई डिसीजन लेने में भी परेशानी महसूस करेंगे।
आप सलाह सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। इस सप्ताह सितारे विवाद और खर्चा करवा सकते हैं। दुर्घटना और चोट के भी योग बन रहे हैं। पारिवारिक स्थितियों में उतार चढ़ाव आ सकता है। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इस समय आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक परेशानियां इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकती है। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की में रुकावटें आ सकती है। बिजनेस में निवेश सोच समझ कर करें। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव भी हो सकता है, संभल कर रहे। लव लाइफ इन 7 दिनों में अविवाहित लोगों को विवाह के ऑफर मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है, करियर निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। मानसिक तनाव की वजह से गलत फैसले भी ले सकते हैं, सावधान रहे। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा है। परीक्षा संबंधी तैयारियों में समय बीतेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय ठीक है। हेल्थ यह समय आपके लिए ठीक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में पेट दर्द हो सकता है लेकिन आखिरी दिनों तक सेहत में सुधार हो सकता है। बच्चों व बुजुर्गों की सेहत भी ठीक रहेगी। मकर इन 7 दिनों में सितारों की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी, जिसके प्रभाव से आपको दोस्तों और भाइयों का साथ मिलेगा। लोगों की मदद से सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। ऑफिस या फील्ड में आपका परफॉर्मेंस शानदार रहेगा। आप अपने कामकाज से लोगों को प्रभावित कर देंगे। इन 7 दिनों में मकर राशि के लोग अपनी अच्छी छवि बनाएंगे। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात के साथ सफलता के भी योग बन रहे हैं। पुराने कोर्ट कचहरी के मामले जो ठंडे पड़े थे वे फिर से शुरू हो सकते हैं, जिनमें सफलता भी मिल सकती है। इस सप्ताह में खर्चा भी बहुत हो सकता है। जीवन के प्रति सकारात्मक विचार बनाए रखें। संतान की ओर से शिकायत मिल सकती है जिसको लेकर आप टेंशन में भी रहेंगे। झूठ और दिखावा करने से बचें। किसी कारणवश दूर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आमदनी के लिए किए गए प्रयासों में आप सफल होंगे। जोड़ों के दर्द से आपको इन 7 दिनों में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। नौकरी वाले अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आपको इसका फायदा भी मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हो सकती है। लव लाइफ इस सप्ताह लव लाइफ में आपको किस्मत का साथ नहीं मिलेगा लेकिन आपके पुराने कामों का फल आपको जरूर मिल सकता है। आपको सफलता मिलेगी। करियर इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र के लिए समय अच्छा है। फालतू खर्चा करने से बचें। व्यापारियों के लिए समय सामान्य है। निवेश से फायदा हो सकता है। आपके करियर के लिए यह सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। करियर को लेकर सावधान रहे। हेल्थ इस सप्ताह आप स्वास्थ्य को लेकर कोई खास चिंता न रखें, बस खान पान पर थोड़ा ध्यान रखें। इस सप्ताह धन लाभ होने के पूरे योग बन रहे हैं। इन 7 दिनों में किया गया काम नौकरी पेशा लोगों की तरक्की में जोड़ेगा। बिजनेस में भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आलस्य और मानसिक थकान भी बनी रहेगी। आधे सप्ताह बाद आप कुछ प्लानिंग बना सकते हैं। ये प्लानिंग प्रोफेशन, परिवार या आपके आसपास के लोगों से जुड़ी हो सकती है। नौकरी या बिजनेस में आपको किसी ना किसी तरह का फायदा भी हो सकता है। इस सप्ताह आपको दुश्मनों से सावधान रहने की जरूरत है। अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, नहीं तो मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। व्यवसायिक कामकाज में थोड़ा एक्टिव रहना होगा। सेहत की चिंता इस समय कम हो सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को इस समय थोड़ी भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी। व्यापार में रुचि बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य बढ़ सकता है। अविवाहित लोगों को प्रेम में धोखा मिलने की भी संभावना है, इसलिए सोच समझ कर कदम उठाएं। लव लाइफ के लिए यह समय ठीक नहीं है। कुछ लोग परेशान हो सकते हैं। लव लाइफ के पुराने विवाद इस सप्ताह में खत्म हो सकते हैं। करियर नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। साझेदारी के बिजनेस के साथ निवेश में भी सावधानी रखें। धन लाभ हो सकता है।
विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन घबराए नहीं। हेल्थ केयर समय आपकी सेहत को लेकर ठीक रहेगा। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। संतान को पेट संबंधी समस्या हो सकती है। मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। इस समय जमीन का कारोबार करने वाले कोई बड़ा निवेश ना करें। थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानी हो सकती है। पेट के रोग भी होने के योग हैं। लंबे समय से रुके हुए काम इन दिनों में पूरे हो सकते हैं। इस सप्ताह कुछ नए काम शुरू हो सकते हैं। दोस्तों या पुराने कॉन्टैक्ट से आपको मदद मिल सकती है। इस सप्ताह के बीच में भी आप थोड़े परेशान रहेंगे। खर्चा बढ़ सकता है। इस सप्ताह आप विपरीत लिंग वालों से दूरी रखें। धन के मामले में यह समय आपके लिए ठीक ही रहेगा। नौकरी करने वाले लोग इन दिनों में काम के कारण थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। कामकाज भी कुछ ज्यादा हो सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है कि कोई काम करेंगे तो उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाए। इस राशि वाले लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। थोड़ी व्यस्तता के चलते परिवार को समय कम दे पाएंगे, लेकिन इसका बुरा असर भी आपके रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। लव लाइफ के लिए यह समय अच्छा है। पति पत्नी के बीच गलत फहमियां खत्म हो सकती है। करियर आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए ठीक रहेगा। आपके कामों की तारीफ होगी। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। हेल्थ अपनी सेहत को लेकर सावधान रहे। Oh,